मतदाता मेल और मैं हूँ आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमारे मतदाता मेल का सफर आ पहुंचा है नवाबों के शहर लखनऊ में। लखनऊ न सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी प्राचीन इमारतों के लिए मशहूर है, लखनऊ न सिर्फ अपनी नजाकत के लिए मशहूर है, बल्कि लखनऊ चिकन की कारीगरी के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। और सबसे अहम, लखनऊ ये वो शहर है जहां से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा तय की जाती है। ये वो शहर है जो उत्तर प्रदेश की सियासत का गढ़ है। ऐसे में हमारी मतदाता मेल का आज सफर शुरू हो रहा है नवाबों के शहर लखनऊ से, जो जाएगा संगम नगरी प्रयागराज की ओर। लखनऊ जंक्शन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी मतदाता मेल बस निकलने ही वाली है, जो हमें प्रयागराज लेकर जाएगी रायबरेली होते हुए। लेकिन उससे पहले स्टेशन पर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके विचार जानने समझने की कोशिश करते हैं और उनका मूड क्या है यूपी के चुनावों को लेकर, 2022 को लेकर वो बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आप लोग यूपी से है, उत्तर प्रदेश से है, चलिए ये भी उत्तर प्रदेश से है, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? अमरेंद्र सिंह, प्रयागराज। प्रयागराज के रहने वाले हैं, प्रयागराज ही हमारी मतदाता मेल हमें लेकर जाएगी। और देखिए प्रयागराज के हमें यहीं पर मिल गए हैं। क्या लगता है 2022 में क्या होगा, किसकी सरकार आएगी? जी योगी पुनः वापसी करेंगे। पुनः वापसी करेंगे? जी हाँ। महाराज जी यानी कि लोगों को पसंद आ रहे हैं? जी हाँ। क्या काम पसंद आया? उनके काम करने का तरीका और सबको एक साथ लेके चलने का तरीका और आपसी जनता में कोई भेदभाव न फैले, भेदभाव भी नहीं है। तो यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज का काम अच्छा है। भैया आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। किसकी सरकार आएगी इस बार, क्या लगता है किसको वोट देंगे आप? बाबा आएंगे, योगी योगी आएंगे। योगी आएंगे, पक्की बात है? योगी आएंगे, योगी यानी कि काम कर रहे हैं, लोगों को काम पसंद आ रहा है, योगी का उनका काम पसंद आ रहा है। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? जी अर्जुन नाम है जी मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? रावली, रावली। तो क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी, आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री। योगी जी पसंद आ रहे हैं? जी बिल्कुल। काम बढ़िया कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काम बढ़िया कर रहे हैं। जो है अब हर एक मोड़ पर, हर तिराहे पे पुलिस तैनात होती है, किसी को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए काम अच्छा हो रहा, सुरक्षा पूरी है, इसलिए हमारा लोगों का साथ है माननीय योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी को इनका साथ है, यानी कि जो जोरदार टक्कर देखने को वो मिल रही है, वो देखने को मिल रही है कमल और साइकिल के बीच में, यानी कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। हालांकि दूर दूर तक अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, या फिर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, या अन्य छोटे छोटे दलों की, ये बहुत दूर नजर आते हैं। 100 लोगों में से एक लोग बोलता है कि हम बीएसपी को वोट देंगे, 100 में से एक वो वोट बोलता है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। इन लोगों को शायद और जोर आजमाइश करने की जरूरत है, या फिर अभी इनका वक्त थोड़ा दूर है। लेकिन क्या सच में यही है, इसको श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब परिणाम आएंगे, वोटिंग होगी, उसके बाद जब परिणाम आएंगे तब कुछ भी हो सकता है। चलिए अब हमारी जरा रेलगाड़ी में सवार हो जाते हैं, छुक छुक करती है रेलगाड़ी, सटपट दौड़ेगी और इसी तरह से चुनावी मिजाज हम इस बीच जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सफर हमारा शुरू हो चुका है, हम अपनी रेलगाड़ी में सवार हो गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो लखनऊ से संगम नगरी प्रयागराज तक का सफर तय कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2022 को लेकर इनके मन में चल क्या रहा है, इनका मूड कैसा है, ये किसे ज्यादा पसंद करते हैं। और नेताजी जरा ध्यान से सुनिएगा कि इन लोगों का कहना है क्या। आप लोग सब यूपी से ही है? भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? ओबरा सोनभद्र। इस बार 2022 में क्या लगता है कौन जीतेगा? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी आएंगे, साइकिल पर सवार होंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये साइकिल की सवारी करना चाहते हैं। आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश, युवा वर्ग अखिलेश को पसंद करता है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने जो एजुकेशन पे जो उनके जमाने में होता था, आज हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ का आपने कोरोना में देखा ही नहीं। इनकी नजर में अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में ज्यादा चीजें मैनेज करी हैं। आपकी पसंद भैया? बीजेपी। कौन है पसंद? भाजपा। भाजपा, भैया को भाजपा पसंद है। तो यानी कि एक जोरदार टक्कर यहाँ पर इस सफर में देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आपकी पसंद कौन है भैया? भाजपा। भाजपा, भाजपा, इनकी पसंद भी भाजपा है। थोड़ा सा मैं अंदर जाती हूँ और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। चलिए इधर आ जाती हूँ मैं थोड़ा सा।
ठीक है, यहाँ से बात करते हैं, अच्छे से बातचीत हो पाएगी। आपकी पसंद कौन है? आप आई एम नॉट फ्रॉम यूपी बट आई ऑलवेज लाइक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बिकॉज आई नेवर सीन ए सच ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया। सो इफ यू फाइंड आउट एनीथिंग इज ऑल लेवल बेस्ट ऑफ द टॉप पर्सन ऑफ द इन इंडिया इवन इंटरनेशनल आल्सो नो वे नो बडीज नोस अबाउट इंडिया बट वंस आफ्टर यू कम देन एवरीबडीज नोस हू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and what is the India and our culture, nature, everything is displayed to all international. So I don't think we never get such a prime minister in future also. इनका कहना है कि यूपी से तो नहीं है लेकिन इनकी पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है क्योंकि उन्होंने भारत का परचम जिस तरीके से लहराया है वो परचम किसी और व्यक्ति ने आज तक नहीं लहराया, कोई और प्रधानमंत्री उनके जैसा देखने को नहीं मिला है, इसलिए इनकी पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भैया आपकी पसंद कौन है? देखिए मैं केजरीवाल जी को ज्यादा सही समझता हूँ। तो इस बार उत्तर प्रदेश में केजरीवाल भी किस्मत आजमा रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल, आप ये देखिए जब उन्होंने कहा है कि आप 2100 रुपए की मतलब कि 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे, आप ये बताइए कि कड़वा तेल 200 रुपए है, 200 का नोट निकालिए और कड़वा तेल दे दीजिए, ये यूपी सरकार आपकी जेब से खाली कर देगी 200 रुपए, है ना, आपके जेब में कोई पैसे बचेंगे नहीं। आप पकौड़े बनाइए और कड़वा तेल रखिए 200 रुपए, तुरंत आप पकौड़े का दाम भी बढ़ाइए, अच्छा खासा आप पकौड़े बेचते रहिए। भैया क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक कहाँ के रहने वाले हैं? देवरिया। देवरिया के रहने वाले हैं। देवरिया में सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया। विकास हुआ है? विकास हुआ है। क्या क्या बदलाव आए हैं? जैसे गोरखपुर के सीएम है तो उस वजह से सर जो मंडल में जो भी है उसमें विकास हुआ है, मंडल में विकास हुआ। हाँ, डोरपुर मंडल में जो जो डिस्ट्रिक्ट है उस सब में विकास हुआ, सब में विकास हुआ है। तो आप वोट किसको देंगे इस बार? योगी को देंगे। योगी को देंगे क्योंकि विकास के नाम पर देंगे? विकास के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर योगी को वोट देंगे। आइए इनसे भी बात कर लेते हैं, आप किसको वोट देने जाएंगे? जी बेटी मैं वोट दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इनमें बहुत कुछ कमियां हैं जो 5 वर्ष कार्य किए हैं, इसमें सुधार करने की इन्हें आवश्यकता है। कमियां मैं बता दे रहा हूं, जैसे पहला काम ये करें कि थाने में ये कैमरा लगवा दें, कोई भी अगर FIR लॉज करने जाए तो बदकारी का सम्मान हो और पुलिस उस पर एक्शन करे। दूसरा ये जितनी भी क्षमता हो हमारे युवाओं को बेरोजगार से रोजगार देने के लिए ये पूरा उपाय करें, ये दूसरा। तीसरा कानून व्यवस्था तो इनका ठीक चल रहा है पर न्यायालय में जो मुकदमे लंबित हैं जल्दी से जल्दी उन मुकदमों की सुनवाई किया जाए और बदकारियों को न्याय मिले, ठीक है। और भ्रष्टाचार पर तो काफी कुछ हद तक अन्य सरकारों से इन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन इन्हों जो 5 साल में ये शासन किए हैं और कुछ भी अधिक इन्हें सोचने समझने और बुद्धि लगाने की जरूरत है समाज के कल्याण के लिए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में लोगों से उनकी राय जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उनके मन की बात क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से केंद्र का रास्ता जाता है, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां सबकी नजर रहती है, यहां राजनीतिक दल खूब जोर आजमाइश करते हैं, यहां राजनीतिक दल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता सिर्फ और सिर्फ उनके ही नाम पर हो क्योंकि यहां से केंद्र में पैठ बना पाना थोड़ा आसान हो जाता है, रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है और इसके बाद आगे भविष्य में केंद्र का रास्ता आसान हो जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता का क्या कहना है, इनके मन में क्या है, आइए थोड़ा इनके मन को टटोलने की खंगालने की कोशिश करते हैं। आपका मन क्या कहता है 2022 में किसकी जीत होगी? योगी जी की। योगी की? योगी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो किस वजह से योगी को पसंद करते हैं आप? उनका काम करने का तरीका अच्छा है, प्रशासन सही है, अधिकारी बेलगाम है, अधिकारियों पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तो विकास हुआ है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? बहुत अच्छी है। तो योगी उत्तर प्रदेश को अच्छा बना पा रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। युवाओं को समस्या है थोड़ी सी कि रोजगार उतना नहीं मिल पा रहा है? रोजगार तो वो समस्या हमेशा बनी रहेगी, कोई आज नई नहीं है, वो हमेशा बनी रहेगी। कोरोना ने चीजें प्रभावित की? वो मैनेज हो गई है, अब उतनी बात नहीं रहेगी। इनका वोट जाएगा बीजेपी को, आपका वोट किसको जाएगा भैया? जो मेरे राम को लाए मेरा वोट उनको जाएगा। तो राम राज्य आप चाहते हैं? बिल्कुल, हमेशा हमेशा।
मंदिर के नाम पर बीजेपी को बिल्कुल ताउम्र दूंगा। और मैं जो है ना, और इन्होंने यही नहीं बहुत कुछ किया है, जिनकी जो अंधे हो गए हैं उनसे कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में बीजेपी को ही वोट बिल्कुल दूंगा, हमेशा दिया है और आगे भी दूंगा। 2022 में कौन आएगा? बिल्कुल योगी आएंगे, अखिलेश जी कहीं आसपास नहीं रहेंगे। इनका कहना है योगी आएंगे। आप कहाँ से हैं? इलाहाबाद से। हाँ जी, यूपी से। यूपी से ही है। किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी। अखिलेश को? इनका वोट किसको देंगे? बीजेपी को। इनका वोट जाएगा बीजेपी को। थोड़ा जोर से बोलिए, बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? उन्होंने अच्छा काम कर रही है। हाँ, बढ़िया काम किया है। मौजूदा सरकार के कामों से अच्छी तरीके से खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। क्या क्या अच्छा लगा? रोड बन गई हर तरफ की। हाँ। और सड़कें बन गई हैं, सब ठीक ही हो रहा है काम। ठीक हो रहा है सब? जी जी। चका चका है जी, बढ़िया है। इनका कहना है सब सही है, सब अच्छा है। जरा इनसे भी पूछ लेते हैं इधर। तो बढ़िया ही है। आने वाली बाकी सरकार, बाकी सरकारों से बढ़िया है। इधर बात करते हैं, आप भी यूपी से हैं? किसको वोट देने जाएंगे इस बार? बीजेपी को मैम। बीजेपी? बीजेपी क्यों पसंद है? जी मैम, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और सरकारों से। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा आपको? सबसे ज्यादा तो मैम बीजेपी का शासन अच्छा है, गुंडागर्दी खत्म कर दिया उन्होंने यूपी से। और बाकी कोई कमेंट नहीं करना चाहता मैं अदर किसी के ऊपर। अच्छा, लेकिन वैसे विकास हुआ है? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वोट बीजेपी को? बिल्कुल मैम। वोट जाएगा बीजेपी को। आपका वोट किसको जाएगा मैम? बीजेपी के। आप भी बीजेपी? बीजेपी ठीक काम कर रही है? ठीक काम कर रही है। महिलाओं के लिए अच्छा कर रही है? हाँ, ठीक कर रही है, सही कर रही है। आप किसको वोट देना चाहती हैं मैम? बीजेपी को। बीजेपी महिलाओं के लिए अच्छा कर रही है, सुविधाएं मिल रही है? हाँ, अच्छा कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा जरा मुझे अंदर जाने दीजिए, इधर इधर बात करते हैं आराम से। चले भैया, थोड़ा सा जगह दीजिए बस। हाँ जी, किसको वोट देंगे मैम? बीजेपी को। बीजेपी क्यों पसंद है? क्योंकि वो सही, मतलब अच्छा काम करता है। अच्छा काम कर रही है, योजना वगैरह का लाभ ले पा रही है, किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ। वोट बीजेपी को जाना है? बीजेपी पसंद है? बीजेपी पसंद है। आप रिपोर्टर हैं? हम भी रिपोर्टर हैं, हम भी रिपोर्ट लगाते हैं मैम। अरे भाई, ये भी पत्रकार ही है और पत्रकार ही है तो इसलिए इनका कहना है कि, लेकिन पत्रकार का भी वोट होता है भाई, तो इनका कहना है वोट बीजेपी को जाएगा। जरा इधर इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के हूँ। लखनऊ के ही हैं? तो लखनऊ के हैं तो किसको वोट देंगे? सही बोले हैं एक बार? बिल्कुल दो बार सही बोले हैं। केंद्र में तो मोदी चाहिए, लेकिन यूपी में योगी नहीं चाहिए। यूपी में योगी नहीं चाहिए, नहीं। तो यूपी में कौन चाहिए? इसलिए कि गरीबों को जो हक मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है कई देश से, कि सरकार किसी के भी, हम मजदूर हैं, काम हमको करना पड़ेगा, चाहे योगी की हो चाहे अखिलेश की हो, लेकिन यूपी में योगी नहीं जम रहा है। तो कौन जम रहा है? अखिलेश। अखिलेश? अखिलेश आएंगे? हाँ आएंगे, हमारी तरफ से कोशिश है। आइए जरा और आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आप लोग भी यूपी से ही हैं? चले, यहाँ पे भी यूपी के लोग हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। हाँ। मैं कौशाम्बी जनपद का रहने वाला हूँ। हाँ। तो किसको वोट देंगे इस बार? जिस दल के सामने भारतीय लगा हो। हाँ। हम तो उसके अनुयायी हैं। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। बीजेपी का काम अच्छा लगता है? बीजेपी के सारे काम अच्छे हैं। हाँ। भाई, जो राष्ट्र का हित करे, सबका हित करे, वही हमारी पार्टी है। हाँ? राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं? राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं। जो देश के लिए हाँ। काम करे, वही हमारा जनप्रतिनिधि है, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में हो। हाँ? भैया का कहना है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, जो देश के लिए काम कर रहा है वो सबसे बड़ा है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। आइए इधर थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। मैं तो बैठ जाऊं थोड़ा सा। चले इधर आराम से बात करते हैं। आपका क्या कहना है, 2022 में किसकी जीत होगी, किसको वोट देंगे आप? बीजेपी को। काम अच्छा लग रहा है बीजेपी का? हाँ, काम अच्छा लग रहा है। काम के नाम पे देंगे? काम के नाम पे देंगे। काम अच्छा लग रहा है बीजेपी का। आपको बीजेपी का मौजूदा सरकार के कामों से खुश है? हम खुश नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ। तो किसको वोट देंगे फिर इस बार? हमारा इच्छा हुए का देवो वो तो गैया बछा छोड़वाई देते, हम लोगों ने खेत नुकसान कर डाली थी। हाँ। यह बात का बढ़िया है भाई। हाँ। किसको वोट देना चाहते हैं, किसको पसंद कर रहे हैं आप? हाँ भाई, भाई कोई बात ना, फिर आगे हुए देखो जी। अच्छा, आगे देखेंगे? आगे देखेंगे। बाकी काम विकास वगैरह से खुश है?
तो विकास तो ठीक है, विकास हुआ है हाँ। बाकी रोड्स सड़कें वड़के ये सब बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा है हाँ हाँ, वो सब सब बढ़िया है हाँ हाँ। बीजेपी को पसंद कर रहे हैं सब मुद्दे के आधार पर हाँ। आपका वोट किसको जाएगा भैया? पहले गन्ने का पेमेंट हो जाए किसानों का, तब हम सोचेंगे किसे। अभी जो सरकार ने किसानों के लिए ये बकाया भुगतान किया था पिछली सरकारों का भी अपनी का भी, उससे वो कुछ हुआ? कोई भुगतान नहीं हुआ है गन्ने का। तो अभी अनाउंस किया था हाँ। तो वो अभी नहीं मिला है? अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? बहिमाबाद। किसको वोट देने जाएंगे इस बार? इस बार बस वही मोदी को देंगे। मोदी को देंगे बीजेपी में, योगी को देंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में देंगे। तो योगी जी के काम अच्छे लग रहे हैं? काम सब ठीक चल रहे हैं। काम अच्छा कर रही है भैया जी? क्या क्या अच्छा कर रही है? सब कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है? जो भी है सब कुछ अच्छा है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो बीजेपी को वोट देंगे जी? इनका वोट बीजेपी को जाएगा। ये कहते हैं जो राम लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम क्या द्वारे मैया गंगा जी बहाता है, वही राम के द्वारे पर अरे गंगा जी बहाता है, सीता करैया सानाने सबे होते। हमारे मतदाता मेला पहुंची है रायबरेली। रायबरेली का नाम आते ही सामने आता है सोनिया गांधी का चेहरा, क्योंकि सोनिया गांधी यानी कि कांग्रेस का गढ़, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और विधानसभा चुनावों की बात करते हैं तो 2017 के विधानसभा चुनावों में 5 सीटों में से 2 कांग्रेस के नाम, 2 भाजपा के नाम, तो 1 सीट समाजवादी पार्टी अपने नाम करने में कामयाब रही थी। लेकिन अब 2022 के विधानसभा चुनावों में भी क्या यही समीकरण रहने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रायबरेली जंक्शन हम आ पहुंचे हैं, लोगों का क्या कहना है? यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें उत्तर प्रदेश के ही मिले हैं जहाँ पर पहले से चुनावी चर्चा हो रही थी, तो इस चुनावी चर्चा में जरा हम भी शामिल हो जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि युवाओं के मन में आखिर है क्या। थोड़ा सा भैया जगह दीजिए, मैं भी बैठ जाऊं। चलिए अपनी चुनावी चर्चा में जरा मुझे भी शामिल कीजिए, क्योंकि पहले से आप लोग चुनावों की बात कर रहे थे लेकिन शांत हो गए। अभी तो आप लोग इतना हल्ला मचा रहे थे, अचानक से शांत हो गए। क्या लगता है 2022 में कौन आएगा? योगी जी फिर से आएंगे। योगी क्यों? योगी ही बेस्ट हैं हम लोग के लिए जी। योगी उपयोगी हैं, जो मोदी जी ने कहा कि यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी। बिल्कुल उपयोगी हैं, उपयोगी स्क्वायर हैं। योगी स्क्वायर हैं। इनका कहना है योगी स्क्वायर है। क्यूब नहीं है? नहीं नहीं स्क्वायर ही है। स्क्वायर है। योगी मोदी की जोड़ी पसंद है? बिल्कुल पसंद है। एकदम राम लक्ष्मण की जोड़ी है। किसकी जोड़ी है भैया? राम और लक्ष्मण की। क्या भैया? राम और लक्ष्मण की जोड़ी है योगी और मोदी जी की, क्योंकि योगी जी यूथ के लिए भी बेस्ट हैं और मोदी जी जो हैं वो यूथ प्लस जो थोड़ा सा एजेड लोग हैं उनके लिए भी बेस्ट हैं, और इन दोनों की जोड़ी देश और प्रदेश के लिए सबसे अच्छी है। कौन आएगा इस बार? योगी जी। योगी आएंगे जी? काम कर रहे हैं जी? हाँ काम कर रहे हैं। विकास हो रहा है कि सब बेहतर हो रहा है? जी हाँ। परिवर्तन आया है? जी हाँ परिवर्तन आया। भैया कुछ कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? भैया शर्मा गए, इतनी देर से पीछे से बोले जा रहे हैं। हाँ भैया। नहीं ये जो बोल रहे हैं बीजेपी बीजेपी, इनसे पूछो स्टूडेंट लाइफ है, कम से कम इतना लोग ये सोचे कि आज महंगाई क्या स्तर में पड़ी हुई है, रोजगार क्या स्थिति में है, कम से कम इसके भैया बताओ इनको। रोजगार में इधर आइए, आपके लड़के भैया जरा आगे आइए 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 मेरे पास आइए आइए। अरे चुनावी चर्चा हो रही है अभी, आप इतना बोल रहे हैं बताइए रोजगार के बारे में बोल। देखिए रोजगार आपके पास सारे मटेरियल हो, रोजगार आपको तभी मिलेगा जब क्या कहते हैं देश सुदृढ़ होगा। ठीक है एक मिनट आप रोजगार चिल्ला रहे हो, आपके परिवार से कितने रुपए टैक्स जाता है देश को आप दिल से बताइएगा। ये भी रुक जाइए, हमारे देश का संविधान है, हमारा आपका अधिकार है हक है। यदि आप एक माचिस भी खरीदते हैं उसका पक्का बिल लीजिए। अच्छा माचिस में टैक्स नहीं जाता? अच्छा झूठ नहीं बोला, टैक्स नहीं जाता सरकार को? जाता है लेकिन सरकार से ज्यादा पैसा बिचौलियों को जाता है। सरकार मैं दिखा रहा हूँ पक्का बिल होता कैसा है, हम आप ग्राहक हैं, पक्का बिल होना चाहिए। अगर आप एक रुपए की माचिस भी ले रहे हैं तो उसका बिल मिलेगा, तो उसका सारा टैक्स गवर्नमेंट को जाएगी और वही पैसा गवर्नमेंट किसी और रूप में हमारे काम में ही लगाएगी। इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं,
ये जो श्रम कार्ड का जुमला दिए हुए ना कि इसमें रोजगार दिया जाएगा युवाओं को, मतलब व्यक्तियों को 1,000 रुपए दिया जाएगा, मेरे पास नोटिस था, मैं यहाँ तक दिखा सकता हूँ इसके बारे में। ये इन्होंने केवल वोट के लिए सिर्फ किया, इसके बारे में मैं इसके बारे में दिखा सकता हूँ जिस तरह ने इन्होंने जुमलेगिरी दिखाई हुई है ये। अच्छा ये बताइए, इन्होंने महिलाओं के लिए यहाँ तक कि आंगनबाड़ी का जुमला दिया हुआ, अभी तक महिलाएं नहीं दिखाई, कोरोना में किस तरह रो रही थी महिलाएं, उनके बारे में अभी तक नहीं सोचा। वहाँ पे आपके पास हैंड रिटन है, कोई गवर्नमेंटेड नोटिस आपके पास है श्रम कार्ड का? कोई चीज नहीं है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुशवापुर के रहने वाले हैं, कुंडा प्रताप, कुंडा से। हमारा नाम देवेश जायसवाल है। प्रतापगढ़ से हैं? जी जी। राजा भैया के क्षेत्र से? जी जी। पसंद है राजा भैया? हाँ पसंद है। तो वोट राजा भैया को देंगे किसी और को देंगे? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे तो राजा भैया गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, क्यों गुस्सा हो जाएंगे, उनको कैसे पता हम किसको वोट देंगे।